अब दोस्तों, ये तरी वाला मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन का इस्तेमाल किया है। आप मटन में कोई भी करी कट पीसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली पंजाबी तरी वाले मटन में चापे बहुत ज्यादा होती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। खैर, मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, लगभग 4 प्याज को मैंने यहाँ पर ऐसे स्लाइस में कर दिया है। 2 टमाटर को मैंने ऐसे घिस लिया है और साथ साथ यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मैंने दही ली है। तरी वाला मटन बनाने के लिए तरी बनाने में आप यहाँ पर धनिया की डंठल का इस्तेमाल जरूर करना, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ साथ मैंने यहाँ पर पूरा 1 लहसुन की कली का इस्तेमाल किया है। 2 हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पर रफली स्लाइस कर दिया है और जो अदरक है 2 इंच अदरक को मैंने ऐसे घिस लिया है। घिस कर ही करना, नहीं तो अदरक गलती नहीं है, ये मैं आपको बाद में एक वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे खड़े मसालों की बात करूं तो बिल्कुल बेसिक खड़े मसाले हैं दोस्तों। काली मिर्च है, इलायची है, बड़ी इलायची थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती है, साथ साथ लौंग जरूर लेना, जीरा जरूर लेना, तेजपत्ता भी आएगा, दालचीनी और सूखी लाल मिर्चें, ये बिल्कुल बेसिक कॉम्बिनेशन है। हाँ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो ये है कि मटन को मैरिनेशन में डालना है। तो मैंने यहाँ पर मटन में दही डाली है, दही के साथ साथ नमक, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर और मीट मसाला और जीरा पाउडर मत भूलना, यानी कि सारे मसालों का कॉम्बिनेशन सारे के सारे आपने यहाँ पर इस टाइम पर डाल देने हैं, क्योंकि ये मटन के साथ भुनेंगे तभी हमारी तरी एकदम बढ़िया सी बनेगी, फ्लेवरफुल बनेगी। मटन के साथ ही अब इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना लगभग आधे घंटे के लिए। जब तक हम यहाँ पर कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने यहाँ मटन करी बनाने के लिए स्पेशली सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो आप देसी घी का भी कर सकते हो, लेकिन सरसों के तेल जो है वो पूरी तरी में फ्लेवर देता है, तो इसलिए मेरी प्रेफर्ड चॉइस सरसों का तेल ही है। खैर, कच्चा सरसों का तेल है, अच्छे से गर्म किया है मैंने। जैसे ही आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं छोड़ना चाहिए तेल, फिर आप यहाँ पर सारे खड़े मसाले डाल देना। और दोस्तों, अगर आपको लहसुन से फ्लेवर निकालना है ना, तो आपको उसको इसी टाइम पर डालना, लहसुन को भुनना बहुत जरूरी है। आप पूरी पूरी ऐसे ही लहसुन डाल देना, बाद में आराम से इजीली गल जाएगी। अभी आप देखते जाना क्या होता है आगे। खैर, जैसे ही कलर आ जाए लहसुन में, आप यहाँ पर प्याज डाल देना। और प्याज को हमें यहाँ पर गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, तरी वाले मटन में प्याज जो है ऐसे स्लाइसेस में है, तो उनको गलाना बहुत जरूरी है ना। तो उनको गलाने के लिए अगर आप गोल्डन ब्राउन कर दोगे तो वो खड़े खड़े रह जाएंगे। इनको आपने हल्का सा कलर लेने तक पकाना है। ये देखो, अभी थोड़ी देर भुनने के बाद ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज ये है कि प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो गए और ढीले हो गए। इस स्टेज तक आपने पकाना है। फिर आप यहाँ पर अदरक डाल देना जो घिसी हुई है, और हरी मिर्च भी डाल देना, और अब इसको पकाना शुरू करना। हल्का सा अदरक का कच्चापन आपने दूर करना है, और प्याज जो है उसमें एक माइल्ड सा कलर लेना है, माइल्ड सा। जैसे ही हल्का कलर आने शुरू हो जाए ना, ये देखो, इस स्टेज तक, फिर आप यहाँ पर मटन डाल देना। और मटन क्या ऐड करेगा, क्योंकि दही है इसमें, तो फिर ये पानी भी ऐड करेगा। प्याज की कुकिंग अब लगभग रुक ही जाएगी। अब आपने बेसिकली मटन की बुनाई करनी है दही के साथ, प्याज के साथ। और आप खुद ही देखना, धीरे धीरे करके प्याज जो है वो पूरे के पूरे गलने लग जाएंगे। आप थोड़ी देर ढक कर इसको पकाना, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि ऐसा ना हो कि तले पे चिपक जाए मटन। 4 से 5 मिनट आप ढक कर इसको भुनने देना अच्छे से, और फिर आप बीच बीच में इसको स्टर जरूर कर देना। जैसे जैसे मैं स्टर कर रहा हूँ, तो आप देखो प्याज बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं, है ना दोस्तों। तो फिर एक बारी ढक्कन लगाकर 4-5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पकने देते हैं। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप ये देखो, मटन अच्छे से भुन चुका होगा। बस अब आप यहाँ पर टमाटर डालना, और आपको तो पता ही है कि जब मेरी रेसिपी में टमाटर आते हैं तो उसी टाइम पे नमक जरूर आता है। नमक 2 पार्ट में यहाँ पर आ गया है, एक जब मटन के साथ मैरिनेशन में था, और दूसरा थोड़ा सा टमाटर के साथ। ध्यान देना इस बात का। और अब इसको अच्छे से आप पकने देना। और टमाटर की कुकिंग को फास्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से ढक्कन लगा दिया है और इसको 4-5 मिनट पकने दिया है। 4-5 मिनट बाद आपने अब यहाँ पर धनिया की डंठल डालनी है। डंठल जो है ना, एक फ्रेशनेस देती है, एक अलग सा फ्लेवर देती है, और जो तरी है उसको बहुत इन्हांस करती है। तो फिर आपने फिर से ढक्कन को बस रखना है और 4 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकने देना। और अब आप देखना, अब आपका मटन लगभग पूरा पक चुका है, भुन चुका है अच्छे से। सारी जो मसाले हैं वो भी भुन चुके हैं। तो आपने यहाँ पर एंड में गरम मसाला डालना है,
कसूरी मेथी डालनी है, इसको अच्छे से मिलाना है और अब डालना है गर्म पानी। अभी सारा गर्म पानी नहीं डालना तरी के लिए, अभी सिर्फ मटन को पकाने के लिए पानी डालना है। हाँ, पर कोशिश करना कि आप यहाँ पर गर्म पानी ही डालना, नहीं तो जो तरी है ना उसके फ्लेवर में वेरिएशन आ जाते हैं, फर्क आ जाता है। बस मैंने यहाँ पर ढक्कन लगाया है और पहली सीटी मैंने दी है हाई फ्लेम पर और फिर गैस को लो कर दिया है और फिर लो फ्लेम पर मैंने लगभग 3 से 4 सीटी दी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मटन कैसा है। अगर मटन एकदम फ्रेश है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, सही क्वालिटी का है तो भी बहुत जल्दी गल जाएगा। बस जैसे ही आपका प्रेशर कुकर पूरा का पूरा ठंडा हो जाए, आप यहाँ पर प्रेशर कुकर खोलना और एंड की चीज़ें यहाँ पर डाल देना, जो कि है थोड़ी सी जावित्री और घिस के मैंने यहाँ पर जायफल डाला। तरी वाला मटन ऑलमोस्ट अभी पूरा नहीं बना है, अभी एक स्टेप और रहता है, ऑलमोस्ट बन के पूरा तैयार है। बाकी मटन अच्छे से गल चुका है, ये आप ज़रूर चेक कर लेना। अभी अगर नहीं गला होगा तो आपको थोड़ी देर और पकाना होगा। बाय चांस थोड़ी सी भी अगर कसर रह जाती है ना, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। आप क्या करना कि जितनी भी जो ये प्याज व्याज लहसुन जो खड़ी खड़ी थी ना, उसको गलाने के लिए अगर छोटी मोटी रह भी जाती है ना, तो उसको अपनी करछी से ऐसे साइड से लगा लगा के पूरा पीस लेना, जिससे अगर थोड़ी बहुत भी अगर रह गई है, प्याज खड़े रह गए हैं, लहसुन खड़ी रह गई है, तो ऐसे पिस जाएगी। और फिर एंड में आपने डालना है पानी। तरी बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा पानी डालना, मैंने लगभग 2 कप गर्म पानी डाला है और इसको ढक कर एकदम लो आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया है। और बस थोड़ी देर आप इसको पकाना, लगभग 10 मिनट तक। मटन की जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी